हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, सोहन इनफील्ड पे। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, हमारी जो इंटरसेप्टर है और सेम GT650 जिनमें हैंडल की प्रॉब्लम आ रही थी, होप कि आप सबको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ मैंने कमेंट भी हैं जो मेरे दोस्तों ने किए हैं कि उनकी बाइक में भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। इस बाइक में भी हैंडल की प्रॉब्लम तो है, हैंडल की प्रॉब्लम मैं कर लूँगा। उसके अलावा इसकी एक और प्रॉब्लम हमें लगती है, जब भी हम कहीं ऑफ रोड या कच्चे से रोड पर जाते हैं तो आपको लगता है कि रेयर साइड होती है, वहाँ से कुछ आवाज़ आती है, जैसे खुला है कुछ भी, ऐसी आवाज़ आती है। कई बार तो मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो सस्पेंशन भी चेक कराते हैं बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, ये हमारी जो स्विंग आर्म होते हैं उनके लिए होता है। जो स्विंग आर्म लूज़ हो जाएँ तो उसकी वजह से ये करते हैं। सर्विस के टाइम पर ये होना चाहिए, अगर ये ना हो तो ज़्यादा देर अगर आपकी बाइक की ये चेक नहीं किया जाए पार्ट तो ये आवाज़ आने लगती है। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है, नहीं आता। ये बूश होते हैं स्विंग आर्म, और जब भी हम कहीं अगर करते हैं तो ये आवाज़ आती है टक टक, इधर से आएगी देखो टक, जैसे हल्का सा खड्डा आता है तो टक टक की आवाज़ आती है। चलो चलते हैं अपने सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन जाके मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को कैसे चेक कर रहे हैं। हम आ गए हैं सर्विस स्टेशन में, अभी हम चेक करेंगे इसकी जो रियर में आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की है। साथ में इसके जो हमारे हैंडल की थी जो लास्ट वीडियो में बताया था वो भी चीज़ टाइट करनी है। ये देख सकते हैं बाइक आ गई है मेरी, लग गई है। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये दो नट बोल्ट होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। ये होते हैं स्पेशल टूल, ये स्पेशल टूल है जो इस पर लगेगा। एक इसके लिए होगा, एक इसके, ये छोटा वाला यहाँ पे लगता है, ये यहाँ पे लगता है। चलो मैं बताता हूँ क्या करें। मैडम खोलते हैं, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है बिल्कुल, ये अंदर सील दिखना, आपको एक सील दिखेगी ये अंदर, इसको आपने बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए एक निकाल दी, ये ऊपर वाले की हम निकालेंगे अभी, ये दूसरी चीज़, ये दो चीज़ें, ये दो हमें बाहर निकाल लेंगे तो तभी हो पाएगा। ने क्या करना है, आपने देखिए ये लगेगा हमारा यहाँ पे, ये लॉक होगा, जब तक ये लॉक नहीं होगा आपने इसे करना नहीं। ये लॉक हो गया, उसका सबसे पहले हम करते हैं ऊपर टूल लगा लेते हैं सेट करके, ये लॉक हो गया। जैसे ही लॉक हो जाएगा करते हैं, ये टूल आ गया हमारा, इस पर हमने लॉक कर देना है इसको, ये लॉक हो गया, इसको टाइट करना है। ये देखो ये लूज़ है, ये लूज़ होने के कारण जब भी आप कहीं खड्डे में कुछ थोड़ा सा वो ऑफ रोड आता है तो आपको ऐसे लगता है कि रेयर से कुछ लूज़ है, तो हम इसे टाइट करना है। देखना ये अंदर से जो बुश होता है वहाँ से पता लगता है, यहाँ से ही लॉक हो गया, ये स्पेशल टूल में आता है, स्पेशल टूल के यहाँ देखो कितना लूज है, ये प्रॉपर टाइट रहेगा तो टाइट हो रहा है, टाइट हो गया अच्छे से। अब हम करते हैं रेयर वाला, ये फंस गया बीच में, ये तो देखो कितना लूज है, ज्यादा लूज हो गया मुझे लग रहा है, देखो ये देखो तो ये स्पेशल टूल में आता है, उसके अलावा कोई भी टूल यहाँ पे नहीं लगेगा। ये लगा देंगे अच्छे से हैंड से टाइट कर लेना है। उसके बाद जो टॉर्क लगी, टॉर्क लगेगी हमारे इस वाले नट बोल्ट पे, ठीक है। इस वाले नट बोल्ट को प्रॉपर तरीके से टॉर्क टाइट करना है हमने, एम की टॉर्क लगानी है इस पर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जहाँ पे एक बार टक की आवाज़ आएगी, एक साउंड करता है टॉर्क रेंज,
तो वहाँ पे आपने छोड़ देना है। क्योंकि ये मेरी बाइक, ये क्योंकि मेरी बाइक जैसे मैं ये दोनों नट बोल्ट मैंने कर दिए, ये टॉर्क इस पर 100 Nm टॉर्क अप्लाई की है। और ये जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये चीज़ क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे मैं इसको लूप कराना था, 1 साल या 10,000 किलोमीटर आपकी बाइक चलती है उसमें आपने ये चेकअप कराना होता है, हैंडल का जो हैंडल स्विंग हैंडल टी रहती है चेक कराना। अगर नहीं कराते हैं तो फिर आपको वो हैंडल की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके उठाना पड़ती है। फिलहाल अभी चलते हैं राइड पे, राइड पे देखते हैं कि जो अभी हम चल रहे हैं राइड पे क्योंकि रात हो। हैंडल का काम भी मैंने करवा लिया बाइक का, अब तो काफ़ी स्मूथ चल रही है और लग भी रहा है कुछ, जो रेयर में से मेरे आवाज़ आ रही थी वैसे भी नहीं आ रही है। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।